अस्सलाम वालेकुम। घरेलू मुर्गबानी में अखराजात को कम से कम रखना और कुदरत के दस्तयाब वसाइल को ब्रो कर लाना जबरदस्त हिकमत अमली है। मुर्गियों, दरमियानी उम्र के चिकन्स और चूजों को कम कीमत मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, अच्छी कूटे पदार्थ और दीगर फायद की फराहमी के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जाएंगी। इस वीडियो में हमने मौसम गर्मा में घरेलू मुर्गियों की गजा के हवाले से सब्जा के इस्तेमाल को बखूबी समझना है कि किन हालात में कितनी मकदार में कब और कैसे इन्हें इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि इस मामले में बढ़ती जाने वाली गफलत से मुतासरा परिंदों की तादाद में बतदरीज इजाफा होने लगता है। मुर्गियों के लिए पत्तेदार सब्जियां, घास, जड़ी बूटियां वगैरह जब भी बतौर गजा इस्तेमाल करवाएं तो वीडियो में शेयर की जाने वाली सरगर्मियों और तदाबीर को लाजमी मद्देनजर रखें। बेशक बहुत सी सब्जियां और फसलों की इब्तदाई कॉम्प्लें चिकन्स के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन हमारी सबसे पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी हम इन्हें अपने कीमती जानदारों को दें तो काट कर दें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से मुर्गियों की सेहत और उनके अंडों की गजाइत पे, न्यूट्रिशन पे मुस्बत असरात तब ही मरतब होते हैं जब आपको अच्छी तरह से इनका तरीका इस्तेमाल आता हो। सब्जियों में रेशा यानी फाइबर की मिकदार ज्यादा होने के बायस अगर इन्हें रोजाना की बुनियाद पे साबत हालत में खिलाते रहें तो इन्हें अच्छी तरह से हजम करना, डाइजेस्ट करना, इनमें मौजूद गजाइत को जज्वे बदन बनाना कदरे मुश्किल सा हो जाता है और बाज़ोकात जानदारों को बदहजमी, पोटे की बंदिश, लूज मोशन यानी इसखान और इनसे मिलते जुलते मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरा, जब भी सब्जियां खिलाएं तो शाम और रात के औकात में ना दें बल्कि दिन के मुख्तलिफ औकात में खिलाने को तरजीह दें। चिकन्स की टांगों पे मौजूद स्केल्स की चमक का कम पड़ना, स्केल्स की रौनक कम हो जाना और हाजमा की खराबी के साथ साथ पतली बीटों की तादाद में इजाफा की एक आम वजह शाम के औकात में जानदारों को, परिंदों को सब्जा वगैरह देना है। चाहे आप किसी भी हालत में जितना भी गजाइत से भरपूर सब्जा मुर्गियों को उनके सोने से पहले देंगे तो जिस्मानी सेहत की खराबी के इम्कान मौजूद रहेंगे। अगर चिकन्स की कलगी यानी उनके ताज पे सफेदी दिखाई दे तो उसकी एक आम वजह जानदारों को हद से ज्यादा सब्जा ग्रीन्स खिलाना है। मुर्गियों को सब्जा खिलाने के सिलसिले में एक बाकायदा तवाजन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए और तवाजन ऐसे बरकरार होगा कि आपके चिकन्स पहले से जो भी खुराक खाने के आदी हैं, चाहे वो घरेलू गजाई मरकब है या कमर्शियल तैयारशुदा खुराक है, तो 80-85% ये तैयारशुदा खुराक दे और बाकी 10-15% इस तरह की गजाओं, सब्जाजात वगैरह पे मुश्तमिल होना चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन रखना आपके लिए कदरे मुश्किल है तो छोटी और दरमियानी उम्र के चिकन्स को रोजाना की बुनियाद पे सिर्फ 15-20 मिनट के लिए सब्जा दें, उसके बाद उठा लें, और बड़ी उम्र के चिकन्स को 20-25, 25-30 मिनट के लिए सब्जा खिलाया जा सकता है, बशर्ते के वो अंडे देने वाली मुर्गियां ब्रीडर्स या मोल्ड फ्लॉक हो। सुबह 9 या 10 बजे के लगभग सब्जा दें ताकि रात सोने से पहले पहले जानदार भाग दौड़ करके, वर्जिश करके सब्जा को बखूबी जुज़्वे बदन बनाकर उसमें मौजूद गजाइयत हासिल कर सके, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से काम करता रहे, जिसम में तेजाबियत, बदहजमी ना हो, पोटा, प्रोवेंट्रिकुलस और गीजर मुतासर ना हो। बाकी के मुख्तलिफ औकात में दीगर तैयार शुदा गजाई फार्मूला यानी फीड वगैरह खिलाएं। एक दिन में छोटे चिकन्स को 15-20 मिनट या बड़ों को 20-25, 25-30 मिनट तक ग्रीन्स खिलाने से अगले दिन के लिए आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना सब्जा देना है ताकि ज्यादा फालतू बाकी न बचे और ना ही चिकन्स उसे गदला कर पाए। सब्जा चिकन्स के लिए अच्छा इंतखाब है। घरेलू पैमाने पे बतौर गजा सस्ता तरीन जरिया सब्जा की सूरत में आसानी मैसर हो जाता है। गजाइत की फराहमी के लिए मुर्गियों को ग्रीन्स देना नहायत ही मौजू हिकमत अमली है। ना सिर्फ उनके अंडों के अंदर मौजूद योक और जर्दी में न्यूट्रिशन का इजाफा होता है, बल्कि अगर आपके पास ब्रीडर्स मौजूद हैं, आप उनके अंडों से चिक्स निकलवाने के काम से मुंसलिक हैं, तो चूजू का भी अच्छा मायार हासिल होगा। सब्जाजात जानदारों को ना सिर्फ अमाइनो एसिड्स फराहम करते हैं बल्कि उनके हड्डियों की मजबूती के सिलसिले में कैल्शियम भी मुहैया होता है। इसके अलावा पट्टों की मजबूत बनावट, प्रोटीन, आयरन, विटामिन ई भी मैसर होता है। आप इस तरह से रस्सी के साथ लटका कर या नीचे साफ जगह पे जानदारों को ग्रीन्स वगैरह दे सकते हैं। मुख्तलिफ सब्जियां उगाना नहायत ही अच्छी हिकमत अमली है। जड़ी बूटियों से जानदारों को विटामिन, मिनरल्स हासिल होते हैं, लेकिन वो तमाम सब्जाजात, इस तरह की जड़ी बूटियां वगैरह अपने चिकन्स को इस्तेमाल ना करवाएं जिनके ऊपर पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स वगैरह का स्प्रे किया गया हो। फसलों की इब्तदाई हालत, कॉम्प्ले वगैरह गजाइत से भरपूर होने की वजह से आपकी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम के साथ साथ सब्जाजात से ओमेगा 3 भी हासिल होता है, जिससे अंडों की गजाइत
पहले की निस्बत बढ़ जाती है। सब्जा खिलाने के दौरान जानवरों के सामने पानी न पड़ा रहने दें, बल्कि जब वो सब्जा खा लें 15 से 20 मिनट, 20 से 25 या आधे घंटे के बाद उन्हें ताज़ा साफ सुथरा पानी दें। जब जानवर सब्जा खा रहे हों तो इस दौरान ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियां देने से बदहजमी के इम्कान नहीं रहते, जानवरों का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निजाम निजाम मुतासर नहीं होता और न पोटे की बंदिश जैसे मसाइल नजर आते हैं। बहुत ज्यादा मिकदार में सब्जा देने की वजह से अंडे फ्रेजाइल हो जाते हैं, उनका छिलका नरम पड़ने लगेगा या फिर आपको एग्शेल इस तरह से चिपटा दिखाई देगा। अगर आप चिकन्स को धनिया देने के आदि हैं तो इसमें विटामिन ए बी सी ई के, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक शामिल हैं। ये ना सिर्फ एंटी बैक्टीरियल के तौर पे काम करता है बल्कि इसमें जरूरी आयल भी शामिल है। इसे खाने के बाद चिकन चुस्त होने लगते हैं, चिकन का मदाफ्ती निजाम मजबूत होता है और अगर अंडे देने वाली मुर्गियां दिन के मुख्तलिफ औकात में ये वाला सब्जाजात खाने की आदि हैं तो वक्त के साथ साथ आपको वाजह तौर पे उनके अंडों की मिकदार में भी इजाफा दिखाई देगा। इसके अलावा ये कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, रेशा और फोलेट का भी बेहतरीन जरिया है। जिसम से जहर का खात्मा करने, हड्डियों की मजबूती, बेहतरीन बसारत, बेहतरीन हाजमा के सिलसिले में आप मुर्गियों को धनिया खिला सकते हैं। घरेलू पैमाने पे गजाइत से भरपूर ये पत्तेदार सेहत बख्श सब्जी परिंदों को लाजमी खिलाया करें। हफ्ते में 4 मरतबा रोजाना 15 से 20 मिनट के लिए बर्ड्स को पालक खिलाना इसलिए जबरदस्ती को तेवली है क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं। ताकत की फरहमी और हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिंस, अच्छी जिस्मानी नशोनुमा और ढांचे की मजबूती के लिए मिनरल्स, खून की कमी को पूरा करके वजन बढ़ाने के सिलसिले में फोलिक एसिड, अंडों की मकदार बढ़ाने और छिलके की मजबूती के लिए कैल्शियम, आंखों की बेहतरीन सेहत के लिए कैरोटीनॉइड्स, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की मकदार को मुस्तकिम रखने, मजबूत करने के लिए आयरन और जिस्म से जहर का खात्मा करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सस्ता तरीन जरिया हमें इस एक सब्जी की शक्ल में आसानी से और कम कीमत में दस्तयाब हो जाता है और यहीं से पोल्ट्री बर्ड्स की कूते मदाफ्त में भी इजाफा होने लगता है। घरों में आपके पास कम तादाद में चिकन्स हैं तो उन्हें जिस्मानी तौर पर ताकतवर रखने, बीमारियों से महफूज रखने, खुराक के अखराजात को कम करने के लिए और वो वाले तमाम मकासद जिनके लिए आपने परिंदे रखे हुए हैं उन्हें कम से कम कीमत में पूरा करने के सिलसिले में ये आपके पास एक बेहतरीन चॉइस होती है। लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि इसकी मकदार उस हद से तजावज ना करे जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर ज्यादा देंगे तो चिकन्स के अज्साम में ऑक्सालिक एसिड बढ़ जाएगा जिसकी ज्यादती बर्ड्स की सेहत पर मनफी असरात मरतब करती है। पालक में मौजूद फोलिक एसिड की वजह से चिकन्स में नए हुलिये यानी नए सेल्स या बाफ्ते बनती रहती हैं, अंडों की मकदार भी अच्छी रहती है। परिंदों के लिए इसे बतौर मयारी गजा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे ही आपका फ्लॉक पालक का आदि हो जाएगा तो इसमें मौजूद गजाइयत की वजह से बर्ड्स दीगर तैयार शुदा गजाएं पहले की निस्बत कम खाएंगे, कारकर्दगी में भी इजाफा होगा और यहीं से घरेलू पैमाने पे घरेलू मुर्गबानी से मुनाफा का आगाज होने लगता है। चिकन के अज्साम में हीमोग्लोबिन नाम से एक प्रोटीन है जो खून के सुर्ख खुलियों में मौजूद होती है। अब इस हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद है और आयरन की मकदार की कमी की सूरत में ये प्रोटीन ठीक तरह से काम नहीं करती। इस तरह के हालात में स्पिनच का इस्तेमाल आयरन की फराहमी का बायस बनेगा जिसकी मदद से हीमोग्लोबिन बेहतर तरीके से काम करने लगती है। इस सब्जा में मौजूद फोलिक एसिड जानवरों को अनीमिया जैसी सूरत हाल से बचाता है और अगर चिकन्स अनीमिक हो जाएं, यानी कि उनके अज्साम में खून की कमी होने लगे तो उस कमी को पूरा करवाने के सिलसिले में भी स्पिनच का इस्तेमाल अच्छी पॉलिसी है। इसके अलावा घरेलू मुर्गियों को अच्छी नशोनुमा, जिस्मानी ताकत और सेहतमंद जिंदगी के लिए मतलूबा मकदार में प्रोटीन दरकार होती है। ताज़ा साफ पानी, नशास्ता और प्रोटीन अहम तीन गजाइजा है। इसीलिए आगाज में तजवीज किया था कि 10 से 15 फीसद सब्जाजात और बाकी 80 से 85 फीसद आप ऐसा गजाई मरकब जानवरों को दें कि जिसमें मतलूबा मकदार में प्रोटीन शामिल हो, नशास्ता और वो तमाम दीगर अहम तीन गजाइजा मौजूद हों जिनसे चिकन की अच्छी नशोनुमा को और बेहतरीन कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।